हेलो गाइस, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो गाइस, आज मम्मी जा रही है मेरी फेवरेट भिंडी बनाने। हाँ, मस्त बनने वाली भिंडी आपके साथ भी शेयर करने चल रहे हैं हम बना के भिंडी। हाँ, तो जिसको भिंडी बनाने नहीं आती अच्छे से, तो आज मम्मी उसको बता देंगे कि भिंडी कैसे बनाई जाती है मस्त। हाँ, एकदम फटाफट से भिंडी चले बनाने। चलो ठीक है मम्मी, देखिए, आप बनाओ। चलो फिर भिंडी आप। चलो चलते हैं किचन में, फटाफट से बनाते हैं भिंडी। तो गाइस, हम आ गए किचन में। देखो, भिंडी को अच्छे से धो के इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख ली हूँ। अगर तड़का काट रही हूँ, प्याज लहसुन और मिर्ची तीनों चीज़ काट के रखी हूँ। तो चलो अब गैस जलाते हैं फटाफट से। गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई, ये मोटे तले कढ़ाई है, थोड़ा मोटे तले कढ़ाई रहेगी तो थोड़ा अच्छा पकेगी। ये आप लोहे की कढ़ाई में बनाओ इसको या नॉन स्टिक हो। अब देखो, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, इसमें डाल दे रहे हैं हम सरसों का तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसमें, इस तरीके से भिंडी बनाओगे ना तो उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे एक चम्मच भर के जीरा। जीरा जब हल्का चटक जाएगा तो उसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन, और उसके 2 मिनट बाद डाल देंगे प्याज कटी हुई एक बड़ी साइज की। प्याज काट के रखी हूँ स्लाइस में, इसको डाल दे रहे हैं। इसको दोनों को हल्का से भूनेंगे, बस हल्का ही गोल्डन होगा। उसके बाद तुरंत इसमें डाल देंगे हम कटी हुई मिर्ची। अभी थोड़ा सा गोल्डन इसको हम भून रहे हैं। देखो, हल्का गोल्डन होने वाली प्याज हमारी। अब इसमें डाल देंगे हम ये मिर्ची, इसको भी 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। मसाले में सबसे पहले डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और 1 चम्मच भर के डाल देंगे धनिया पाउडर। और उसमें हम कोई मसाला नहीं डालूंगी, बस यही इतना ही मसाला डालूंगी। अगर आप इस तरीके से भिंडी बनाओगे ना तो बच्चे क्या बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे कि कितनी मस्त भिंडी बनी हुई है, और बिल्कुल खिली खिली सी भिंडी हम बनाऊंगी। आपको भी दिखाती हूँ बना के। तो देखो, भिंडी हम अब इसमें डाल दिए सारा हमारा मसाला, और तड़का सारा पक चुका था तो उसमें डाली हूँ भिंडी को। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को हमारी लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा दें ताकि जो नई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब देखो, सारी चीज़ें डाल के इसको हम मिला दें। अब इसमें डाल देना हम स्वाद के अकॉर्डिंग नमक 1 चम्मच, छोटा चम्मच हमारे, बड़ा चम्मच नहीं है। अब नमक को भी डाल के अच्छे से मिला देंगे। इसको हम ढकेंगे नहीं, बस इसको खुले ही पकाना। अगर ढक के पकाओगे ना तो ये चिपचिपी से हो जाएगी, इसको ढकना नहीं है बिल्कुल। बस इसको धीमी गैस पे धीरे धीरे पकाना है। और इसमें हम एक सीक्रेट चीज़ डाल रहे हैं, ये है नींबू का जूस, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। इससे क्या होगा, एकदम भिंडी हमारी खिली खिली सी बनेंगी। अब इसको हम डाल के इसको अच्छे से मिला दे रहे हैं। बस इसको हम थोड़ी देर पकाएँगे धीमी गैस पर, जब तक कि भिंडी हमारी पक नहीं जाती। अभी आपको हम दिखाते हैं, एकदम बिल्कुल खिली खिली सी ये बनेगी भिंडी हमारी। इसको बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे, बस थोड़ी देर के बाद इसको हम चलाएंगे। इसको आप रोटी पराठे के साथ खाओगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। हम लोग को तो चावल के साथ भी अच्छी लगती है खाने में। अब आप किस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं वो आपकी मर्ज़ी। देखो, भिंडी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। एक बार और इसको हम चला दे रहे हैं इसे, बस ज़्यादा देर नहीं, बहुत जल्दी ये भिंडी बन के तैयार हो जाती है। अब इसको हम चलें सर्व करने। भिंडी हमारी बनके रेडी हो गई, गैस को हम कर दिए बंद। देखो, भिंडी को हम कर देंगे सर्व। देखो, एकदम खिली खिली सी भिंडी है ना। इसमें आप चाहें धनिया का पत्ता डाल सकते हैं। धनिया पत्ता हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता, इस खासकर हमारा छोटा बेटा, इसलिए हम भिंडी उसमें नहीं डाले धनिया के पत्ता। देखो, आप भिंडी को हम सर्व कर दिए। अब इसको हम लोग रोटी के साथ खाएँ या पराठे के साथ किसी चीज़ की खाएँ, बहुत मज़े की लगती है। एक बार इस तरीके से भिंडी आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, चाहे बच्चों को लंच में दो या अपने हस्बैंड को टिफिन बॉक्स में दो खाने के लिए। तो वीडियो हमारी कैसी लगी, वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर करना। देखो, भिंडी दिखने में अच्छी लग रही है ना, देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रही है। थोड़ा सा उसमें धनिया का पत्ता ऊपर से रख दूँ बस। तो चलिए, आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। बाय।